अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लॉन फैब्रिक से एक बेबी गर्ल के लिए ये कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें दरमियान में पैनल्स डले हुए, साइड में इसमें अम्ब्रेला कट पैनल्स डले हुए और तीरा भी आप देख सकते हो, ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से थोड़ा सा ए लाइन में है। 7 से 8 साल की बच्ची का ये साइज़ है। ये मेरे पास बड़ी शर्ट का बचा हुआ कपड़ा है। तकरीबन अगर हमें बनाना है तो हम बड़े अर्थ में 1.5 मीटर हमें फैब्रिक चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इसके तीरे लूँगी। इसका साइज़ मैंने 26 इंच रखना है, तो मैं इसमें 27 इंच यानी 27 इंचेस इसकी लेंथ लूँगी तीरों के लिए। ये मैं तीरे बना रही हूँ, सेंटर तीरा, और इसके एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए मैं 2 तीरे ले रही हूँ। 27 इंच लेंथ है और मैं ऊपर से इसकी 7 इंच चौड़ाई और नीचे से मैं इसकी 12 इंच चौड़ाई रखूँगी। यानी कि टोटल मेरा कपड़ा जो है, मैं ताकि मेरा कपड़ा ज़ाया ना हो, मैं इसमें कटिंग करके अलग नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसी में से मैं साइज़ लूँगी। ये आप देखें, ये 6 इंच मेरा हाफ आ रहा है यानी कि 12 इंच होगा। चाहे तो 14-15 इंच भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा अगर तीरा चौड़ा करना चाहें तो। ये 3.5 इंच मैंने हाफ लिया है तीरे का। अगर बच्ची सेहतमंद हो तो हम ये 3.5 की जगह 4 इंच भी रख सकते हैं, ताकि हमारा साइड का पैनल ज़्यादा चौड़ा हो जाए। 10 इंच तक मैं स्ट्रेट लाइन लूँगी। वेस्ट साइज 10 इंच तक होता है इतनी बच्चियों का। और ये मैंने थोड़ा 6 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 6.5 इंच कर दिया नीचे से। अब इसमें ये ए लाइन कटिंग तीरे की हो रही है। ये फ्रंट और बैक दोनों तीरे हैं कुर्ती के लिए। अब ये तीरा हमारा कटिंग हो जाएगा। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारी रेप वाली साइड होती है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो उसे भी हमें बैलेंस करना होता है इस तरह से हल्की सी कटिंग करके। अब नीचे से पैनल जो कट करेंगे वो अम्ब्रेला कट होंगे। अब ये यहाँ तक वेस्ट है। वेस्ट के बाद आप देखें, मैंने इसकी लेंथ लेनी है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 17 इंच, 17 इंच बन रही है, 17.5 इंच हम रखेंगे। अब आप देखिए, एक मैं कॉर्नर से इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको लूँगी और कॉर्नर बना के फिर एक दफ़ा फिर इसको इसी तरह डबल करेंगे। ये देखें, हम यहाँ से पहले इसको पैमाइश कर लेंगे। ये मैंने पूरे ही फोल्ड करना है, ट्रायंगल बनाना है, फिर इसको एक फोल्डिंग और इस तरह से कर लेंगे। तो ये इस तरह हमारे दोनों साइड के पैनल्स आ जाएंगे, जिसमें फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड पर जाएगा ये पैनल। अब इसकी लेंथ मैंने 17.5 रखनी है। तो आप ये देखिए, मैं इसको इतना स्ट्रेट कट कर दूंगी। तकरीबन 4 इंच तक ये मैंने चौड़ाई ली है, 3.5-4 इंच ले लेंगे हम चौड़ाई। और उसके बाद हमने साइड इसी तरह जैसी इसकी शेप है इसी तरह कट करेंगे। और फिर इसको हमें लेंथ को बैलेंस इस तरह से करना है। 17.5 इंच हर जगह से इसकी लेंथ होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ से भी 17.5 रखेंगे, हर जगह से इसका यही साइज़ होगा। इस तरह से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे साइड पैनल तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने पहले सीधे तय पैनल हमेशा मत दिखाए हैं, आज मैं अम्ब्रेला कट पैनल आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, ये तीरा है, तीरे का नीचे के साइड ड्रेप वाली साइड के पर जब हम इस तरह जोड़ेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा घेर हो जाएगा फ्रॉक की तरह। अब ऊपर का पैनल हम बाद में कट करेंगे, पहले मुझे जो बचा हुआ कपड़ा है मैं बाजू निकाल लेती हूँ उसमें से, क्योंकि पैनल जो ऊपर के बनाने हैं हमें साइड की हिस्से वो बहुत छोटे पीसेस चाहिए। 6.5 इंच मैंने इसका स्लीव की चौड़ाई रखी है, 15 इंच मैं इसकी लेंथ लूँगी। और स्लीव हम पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये ऊपर के जो छोटे पैनल्स हैं वो दोबारा हम साइड में फिर कटिंग करेंगे। ये मैंने पूरा 15 इंच कर लिया। इसको नीचे इसमें कफ लगेंगे। अब ये देखें, दो छोटे छोटे इसके बाद जो मुझे पीस बचे हैं इसकी हम लेंथ लूँगी। लेंथ से मुझे 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई के लिए। अब मैं इसको डबल किया है, ये 8 इंच चौड़ाई का पीस है, तकरीबन 4-4 इंच चौड़ाई का मैं लूँगी। 3.5 इंच साइड का है, तो ये कुल हमारा मिल मिला के ये हमारा बस साइज जो है तैयार होने के बाद 14 इंचज रहेगा। ये हाफ आप देख सकते हैं, मैंने 4 इंच
चार चार इंच चौड़ाई के ही लिए हैं ये पैनल। छोटे पैनल के लिए इस तरह के हमें चार तैयार करने हैं, दो फ्रंट के लिए दाएं बाएं और दो बैक के लिए। ये मैंने दो फोल्ड करके दो रखे हुए, इसी तरह के दो बाद में मैं और कटिंग करूँगी। 6 इंच में इसको मैंने ऊपर से जो तीरा है वो उसका शोल्डर 12 इंच कर लिया, 5.5 इंच लिया, 11 इंच कर लिया, और नीचे से मैंने 5.5 इंच का इसका आर्म होल की साइड लिया है और थोड़ी सी साइड की कटिंग कर रहे हैं। जब हम ये पैनल रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी, तो हल्की सी हम इसको ऊपर वाले पैनल में भी 1/2 इंच की इस तरह की शेप देंगे। ये देखिए जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको हम बैलेंस करेंगे इस तरह। अब हम नेक कटिंग कर लेते, 1 इंच की मैं इसकी गहराई और 2.5 इंच चौड़ाई की मैं इसमें नेक कटिंग करूँगी। जैसे कि मैंने बताया इसको 7 से 8 साल की बच्ची का ये साइज़ है। अब फ्रंट की तीरे की हम थोड़ी सी नेक की गहराई करेंगे, 1.5 इंच मज़ीद और गहराई की जाएगी फ्रंट के लिए, और क्योंकि ये फ्रंट ओपन है अब हम इसके दो हिस्से कर देंगे। फ्रंट हिस्से को इसमें पट्टी लगेगी अलग से, बटन पट्टी। इसमें एक बटन पट्टी जो है वो चौड़ी है, जो अंदर की नीचे वाली पट्टी है वो बहुत पतली सी लगेगी जबकि ऊपर वाली चौड़ी लगेगी। जिस साइड हम चौड़ी पट्टी लगाएंगे उस साइड से हम थोड़ा सा और कटिंग करके कम कर देंगे। ये देखिए इस साइड से जो राइट साइड है, लेडीज बटन पट्टी जो है वो राइट साइड पर लगती है, तो राइट साइड से मैं इसको 1/2 इंच और मज़ीद पट्टी की वजह से कम कर दूंगी ताकि हमारी पट्टी जो है वो बैलेंस सेंटर में रहे। अब जैसे कि ये दो मैंने तीरों के साइड के पैनल कट किए, ये चार होंगे ये पीस अदद, दो फ्रंट के लिए दो बैक के लिए होंगे। जबकि अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो पैनल से साइड की सिलाई की जा रही है, आमतौर पर जो हम सिलाई साइड की आखिर में करते हैं, इसकी सबसे पहले की जा रही है। इसमें मैं लेस लगा रही हूँ पैनल के नीचे हिस्से में ताकि हम दूसरा पैनल जोड़ सकें। ये जो मैंने अम्ब्रेला शेप का नीचे बड़ा पैनल कट किया था उसके साथ अब हम ये ऊपर वाला पैनल जो है वो इस तरह से जोड़ रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं जो जोड़ है इसका एक हिस्सा फ्रंट साइड पर और एक बैक साइड पर इस तरह से जाएगा। यानी कि ये जब हम फोल्ड करेंगे डबल करने से इसका एक लेफ्ट इसका एक फ्रंट और एक बैक साइड पर जाएगा। ये अब ये तीरे के ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। जब हम तीरों पर कहीं भी ये लेस लगाते हैं इस तरह की लेस, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम नीचे के कपड़ों को खींच के रखें, क्योंकि ये लेस जो है अगर हम हमारी थोड़ी सी भी खिंच जाती है तो नीचे फिर चुने आती हैं, फिर उसकी नीटनेस ख़त्म हो जाती है। तो नीचे के हिस्से को हमें थोड़ा सा खींच कर रखना चाहिए। अब ये तीरे पर लेस लगाने के बाद अब ये पैनल के साथ इस तरह जोड़ दूंगी। जब हम देखें इसको फोल्ड किया है तो एक हिस्सा इसका दाएं और एक हिस्सा आगे और एक हिस्सा पीछे की साइड पर जाएगा। अब इस पैनल के साथ ये तीरा जोड़ा जा रहा है, तीरे के फ्रंट तीरा दो हिस्सों में, जैसे कि आप देख सकते फ्रंट ओपन है तो ये 1/2 तीरा है जो पैनल के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये नीचे का जो अम्ब्रेला कट है ये एक ही पैनल है, इसका 1/2 हिस्सा जो है वो फ्रंट साइड पर आएगा और 1/2 जो है वो बैक साइड पर जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड पर बैक वाला तीरा जुड़ेगा, बैक वाला एक ही तीरा है और फ्रंट वाले तीरे के जैसे कि आपने देखा हमें बटन पट्टी की जैसे दो हिस्से करने पड़े। बैक वाले तीरे में मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, चाहे तो हम लेस लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, वरना मैं लगा नहीं रही हूँ। ये तीरे के साथ ये पैनल जोड़ा जा रहा है, भाभी देखिए फ्रंट पैनल, ये फ्रंट का तीरे के साथ दो पैनल है, ये बैक का तीरा है और ये बैक के तीरे के साथ ये दूसरा पैनल जोड़ा जा रहा है। दोनों पैनल मैंने तैयार कर लिए, मैंने बनाकर आपको एक ही दिखाया है, जबकि ये हर चीज़ पेयर में होती है, दो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। अब आप देखें फ्रंट तीरा पैनल, ये
बैक तीरा और ये आगे के पैनल है, ये एक फ्रंट का और एक बैक का। अब ये फ्रंट तीरे का दूसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा। इस तरह से इसको डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है और इस तरह से ये पैनल्स तमाम कंप्लीट हो जाएंगे। दो इसमें ये पैनल्स तैयार हैं, दो हिस्से साइड पैनल्स हैं और एक बैक तीरा है और दो हिस्से जो हैं वो फ्रंट तीरे के हैं। ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। अब ये फ्रंट की पट्टी जो मैंने बटन पट्टी बनानी है, पहले पतली वाली पट्टी लगानी है और उस पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये बटन पट्टी बनाई जा रही है, ये नीचे वाला हिस्सा है बटन पट्टी का। अब आप देखें, थोड़ा सा ही मैंने इसको बाहर निकाला है, जितनी सिलाई में गया है कपड़ा इतना ही मैंने इसको बाहर रखा है। एक सिलाई अब इसके ऊपर कर लेते हैं। अब ये देखिए, फ्रंट की जो पट्टी है, मैंने 2 इंच चौड़ाई की ये पट्टी ली है पूरे नीचे तक के साइज की। उसके नीचे मैंने चित्रक्रम को इतनी साइज का पेस्ट कर दिया है, मैंने आयरन कर लिया है। चित्र विक्रम इसलिए लगाई है ताकि फ्रंट के ऊपर की जो पट्टी है उसमें नीटनेस आए, और उस पर मैं ये इस तरह से लेस लगा रही हूँ। दोनों साइड लेस लगेगी, जितनी भी हम पट्टी रखना चाहें। ये 2 इंच चौड़ाई के लिए मैंने हाफ हाफ इंच से तकरीबन इसमें सिलाई में लिया है, तो ये सेंटर से तकरीबन 1 सवा इंच की रहेगी ये चौड़ाई पट्टी। और इतनी मैंने एक पट्टी और कट की हुई है जो बगैर चित्र बुकरम के है, वो अंदर की साइड लाइनिंग में लगेगी। 2 इंच चौड़ाई की पट्टी है, पूरी लेंथ जितनी भी है हमारी इसकी कुर्ती की पूरी ली है मैंने। अब जो हमारी ये सिलाई लेस के ऊपर हुई हुई है, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है। अब ये बटन पट्टी तैयार करने के बाद हम इसको उसके साथ तीरे के साथ जोड़ देंगे। ये देखें, ये इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी। एक सिलाई अब हम ऊपर भी कर लेते हैं। अब ये उल्टी साइड जो है, ये लाइनिंग वाली पट्टी को हम इस तरह से जोड़ेंगे कि इसको फ्रंट साइड पर जब हम पलटेंगे तो ये हमारी चित्र बुकरम वाली पट्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ऊपर डायरेक्ट सिलाई करेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं, मैं नीचे से है ना कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रख रही हूँ। अगर हम नीचे कपड़े को पकड़ कर नहीं रखते हैं तो ये इसमें चुने आने का ख़तरा रहता है। नीचे से जब चुने अगर आ जाती हैं तो हमारी तमाम इसकी ड्रेस की जो नीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। पट्टी की सफाई की बहुत अहमियत होती है। फ्रंट साइड है, ये देखें, ये बिल्कुल कितनी नीट आई है पट्टी। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ आ जाए। ये फ्रंट तीरा हाफ, ये पैनल है 2, और इसके बाद ये तीरा है बैक का, और फिर ये साइड पैनल है, और इसके बाद ये फ्रंट का हाफ तीरा एक साइड। ये मैंने पूरा आपको खुला हुआ इसलिए दिखाया है ताकि समझ आ जाए कि ये किस तरह से जोड़े गए। अब ये हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। साइड इसकी पहले से तैयार है सिली सिलाई, और ये शोल्डर जोड़ लिए।
इसके बाद अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू में मैंने चुन देनी है, इसमें कफ लगाने। इसमें भी चाहें तो हम कफ वाली पट्टी पर चित्र बकरम लगा सकते हैं। और ये पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ाई के लिए, इसको ये ऊपर वाला बाजू का हिस्सा सीधा है और पट्टी भी मैंने सीधी ली है। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ये ऊपर की तरफ सीधी साइड आएगी। अब इस पर भी मैं लेस लगा लेती हूँ। और ये कप तैयार हो गए हैं। अब इसकी साइड की सिलाई की जा रही है। आमतौर पर छोटे बच्चों को हम साइड की सिलाई जो है बाद में करते हैं, पहले हम आर्म होल जोड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि ये इसकी कुछ कटिंग स्टिचिंग इस तरह थी कि पहले हमें साइड की सिलाई करनी पड़ी है, तो इसलिए मैं बड़ों की तरह, जिस तरह से बड़ों का आर्म होल जुड़ता है राउंड शेप में, उसी तरह से ये छोटी बच्ची का भी इसी तरह जोड़ा जा रहा है। और ये थोड़ा सा आर्म होल बड़ा है बाजू का, तो इसमें बाजू के ऊपर मैं हल्की सी 2-3 चुने दूंगी इसके सेंटर तक लाने के लिए। और यहाँ से हमें साइज लेना है, जितना फालतू हमारा कपड़ा है वो चुनों में देंगे हम। और इस तरह से ये बाजू भी जुड़ गया है, सिर्फ नेक पाइपिंग रह गई है, नीचे का घेर है। ये बाजारी पाइपिंग मैं नेक पर लगा रही हूँ, चाहे तो इसको फैब्रिक की भी लगा सकते हैं। बारीक सिलाई कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके हम ऊपर डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये पूरी कुर्ती तैयार है। मैंने काज पैटर्न कर लिए हैं इसमें, और करने के बाद मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके नीचे मैं वाइट ट्राउज़र बनाऊँगी, ये हमारी मर्जी है। चाहे तो चिकन एम्ब्रॉयडरी का ट्राउज़र भी बना सकते हैं, प्यारा लगेगा, या सिंपल वाइट में लेस लगाकर भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। चाहे तो हम बच्चियों के बना सकते हैं, फैंसी कपड़ों पर भी हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ये मैंने लॉन पर बनाया है, ब्रांडेड लॉन है जे डॉट की। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, चाहे तो आप बना सकते हैं।